तो इसका जो मेल है वहां पे, और ये देख सकते हैं फीमेल जो बहुत ही ज्यादा जख्मी है गाइस, ये देखिए। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड, इसकी जो फीमेल है वो काफी चोट लगा हुआ, और ये मेल ये देखिए। तो गैस ये मेरे हाथों में आप देख सकते हो, और मैं इसे चेक कर रहा हूँ, ये देखिए यहाँ बहुत ही ज्यादा चोट है। ओ माय गॉड, यहाँ देखिए लगता है किस तरह से इसे चोट लगा हुआ, इसलिए इसके मेल उड़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और ये जो फीमेल ये उड़ नहीं पा रहे थे। तो मैंने इसी हालत में इसे नहीं छोड़ना है, तो मैं इसे अपने घर ले जाऊंगा और इसे अच्छे से ट्रीटमेंट करूंगा ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि अगर यहाँ पे छोड़ देंगे तो इसे कोई सा भी जानवर पर खा सकता है। और तो मैं अपने दोस्त के साथ ये देख सकते हैं मैं अपने घर ले आया हूँ, और यहाँ पे मेरा एक छोटा सा केज है, तो मैं इसमें रख देता हूँ ताकि यहाँ पे मैं इसे दवा ट्रीटमेंट कर सकूँ और ये जल्दी से ठीक हो जाए, उसके बाद मैं फिर इसे छोड़ दूंगा। तो ये देखिए फ्रेंड, इससे मैं अभी खिलाऊंगा, तो चलते हैं अपने हैंड फीड में इसको कराऊंगा, क्योंकि ये खुद से खाना नहीं खा पा रहे, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये कमज़ोर हो चुका है। तो गैस अब मैं जाऊंगा और अब इसके लिए खाना बनाऊंगा। तो सबसे पहले इसका जो दवा है ये देख सकते हैं, ये टेट्रासाइक्लिन है, तो मैं थोड़ा सा ले लेता हूँ, ये देखिए थोड़ा सा मैं इसे टेट्रासाइक्लिन ले लिया हूँ, ताकि इसे इससे क्या होता है कि जो दर्द वगैरह है वो ठीक हो जाएगा इसका। और ये है भैमरल, क्योंकि इससे जो होगा इससे पावर मिलेगा, और ये है डाइजेस्टिव के लिए। तो अब मैं इसे खिलाऊंगा, ये देख सकते हैं मैं हैंड फिट अभी लेता हूँ और इसे अच्छे से खिलाता हूँ, ताकि इसके अंदर जो है वो थोड़ा सा ताकत आए और दर्द जो है वो कम हो जाए। इसके लिए मैं खिला रहा हूँ ताकि ये जल्दी से ठीक हो जाए और आजाद अपना जिस तरह से उड़ती थी रहती थी उसी तरह से वो रहे। तो गैस ये देखिए, ताकि मैं भी चाहता हूँ कि ये जल्दी से ठीक हो जाए, क्योंकि जानवर हो या परिंदा हो सबको दर्द का एहसास होता है, तकलीफ होता है, लेकिन वो बोल नहीं पाते। इसके लिए अगर आपके पास भी अगर कभी भी आप परिंदा या जानवर को जख्मी हालत में देखे, तो आप कोशिश करें कि उसे उसी हालत में ना छोड़ दे, बल्कि अपने घर पे ले आए और उसके अच्छे से ट्रीटमेंट करें, ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए और फिर वो उड़ने लगे। अगर मैं छोड़ देता तो उसे हो सकता था वहाँ पे आसपास पे कुत्ता भी था, हो सकता ये उसे खा लेता। तो इसके लिए मैं घर ले आया हूँ, ये देखिए मैं थोड़ा थोड़ा करके मैं मिक्स कर रहा हूँ ताकि जल्दी से इसे खिला सकूँ फ्रेंड। तो ये देखिए मेरा जो हैंड फीड है वो बन चुका है, और मैं इसे फिट कराऊंगा। तो ये देख सकते हैं फ्रेंड ये कितना अभी कमजोर है, लेकिन इंशाल्लाह ताला ये जल्दी ठीक हो जाएंगे। तो गैस अब मैं इसे खिलाता हूं, तो ये देखिए ये देखिए मैं इसे ले लिया हूँ, यहाँ पे देखिए काफी ज्यादा डरे हुए है, दर्द भी हो रहा होगा इसके लिए। ये देखिए मैं खिला दिया हूँ फ्रेंड इसे, लेकिन मैं और यहाँ पे मैं टेट्रासाइक्लिन जो है वो मैं इसे लगा दूंगा ताकि वो जल्दी से ठीक हो जाए। तो आप देख सकते हैं फ्रेंड मेरे हाथों में ये दवा, और मैं ऐसा ऐसा करके ये दवा को इसके ऊपर लगा रहा हूँ ताकि इसे दर्द ना हो, क्योंकि कोई सा भी हो जानदार उसे दर्द होता है, लेकिन ये बेजुबान जानवर है जो परिंदे वो बोल नहीं पाते, दर्द तकलीफ को बता नहीं पाते, लेकिन हम इंसानों का फर्ज बनता है कि इसकी दर्द को इसकी तकलीफ को समझे ताकि इसकी सेवा कर सके और ये ठीक हो जाए। अगर मैं इसे इसी हालत में छोड़ देता तो हो सकता है कि वहाँ पे बहुत सारे जानवर थे इसे खा जाते, क्योंकि ये उड़ नहीं पा रहे थे। इसके लिए मैं ले आया हूँ और आप देख सकते हैं मैं किस तरह से दवा लगा रहा हूँ। तो आप लोग इसे छोटा परिंदा समझकर ना छोड़े, अगर आप नहीं कर सकते तो अगर आप जानते हैं जिसे थोड़ा वो परिंदा का शौकीन है तो आप उसे दे दे, वो ठीक कर देंगे इंशाल्लाह, उसे छोड़ देंगे तो वो ठीक हो जाएगा, उसे देखभाल अगर सेवा करेंगे तो वो ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए मैं इसे देख सकते हैं मैं लगा कर दवा यहाँ पे छोड़ दिया हूँ, ताकि उसे अब कुछ देर के लिए अब आराम मिलेगा और वो थोड़े देर में इंशाल्लाह ताला वो बहुत ही अच्छा हो जाएंगे, क्योंकि मैंने दवा लगा दिया और इसे पानी में मिक्स करके भी दिया हूँ ताकि ये दवा का असर जो है उसे जल्दी हो और वो ठीक हो जाए। तो देखिएगा मैं उसे इंशाल्लाह वो ठीक हो जाएंगे।
फाइनली गैस, अगर आप भी देखे कि कोई सा भी बर्ड्स इस तरह जख्मी है तो आप भी उसे घर ले आए और अच्छे से ट्रीटमेंट करें। तो गैस जब ये ठीक हो जाएगा तो फिर मैं इसका वीडियो बनाऊंगा कि ये उड़ रहा है, तो ये उड़ने लग गया तो फिर मैं छोड़ दूंगा। तो गैस आपको हमारा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में बताएं। चलता हूँ, अल्लाह हाफिज़।